और गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट अंतर्गत वर्ल्ड गैस समिट 2023 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। वर्ल्ड गैस समिट आयोजन की शुरुआत जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने दीप प्रज्वलन कर की। वहीं भारत ऊर्जा की दृष्टि से दुनिया को सबसे तेजी से विकसित होते हुए बाजारों में से यह एक है और यूएस और चीन के बाद ऊर्जा और तेल के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी गैस के उत्पादन, प्रसंस्करण, रिफाइनिंग और संबंधित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। प्रदर्शनी का आयोजन 6 से 8 जुलाई तक होगा। वहीं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका आयोजन इंडियन ट्रेड फेयर एकेडमी और इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। जी, कितनी कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं, क्या मकसद है? देखिए, जो गैस इंडिया एग्जीबिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये फोकस है टोटल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। जैसे अभी आने वाले समय में फ्यूचर ऑफ जो है उसमें एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत रहने वाली है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो नेचुरल गैस है वो उसका जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, उसका यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है इस एग्जीबिशन में। और जो जैसे सीएनजी स्टेशंस जो डेवलप होते हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो टेक्नोलॉजी लगते हैं, पूरा जो प्लांट लगता है सीएनजी इक्विपमेंट्स डेवलप करने का और जो सीएनजी स्टेशंस बनते हैं उन सब की टेक्नोलॉजी का है यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है। और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे एग्जीबिटर्स है, करीब 100+ एग्जीबिटर्स इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर गैस इंडस्ट्री के वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हैं। देखिए, कोई भी जब नया विकल्प आता है तो ये नहीं होता कि पुराना विकल्प ख़त्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोनों विकल्प हमेशा साथ साथ चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और जो नेचुरल गैस है उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। दोनों साथ साथ चलेंगे और दो, क्योंकि नेचुरल गैस से पर्यावरण में ज़्यादा सहयोग मिलता है पर्यावरण को सुरक्षित कर रखने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्या है कि अगेन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में अगेन पॉल्यूशन होता है। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि वो नेचुरल गैस है उस पर ज़्यादा फोकस करें। कितने 100+ एग्जीबिटर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया से एग्जीबिटर्स हैं। इसके अलावा करीब 6 कंट्रीज से एग्जीबिटर्स यहाँ पे आए हैं और इसके साथ हम लोग एक नेचुरल गैस व्हीकल एक्सपो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे जो टाटा मोटर्स है उसने अपना एक सीएनजी के जो कार्स है उसका डिस्प्ले किया है और एक सीएनजी ट्रक यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है उसका यहाँ पे डिस्प्ले रखा है। एंड जो सीएनजी के इक्विपमेंट्स हैं और जो कार में यूज होते हैं कंपोनेंट, वो सब के डिस्प्ले यहाँ पे हो रखे हैं। इसके साथ साथ हमने एक और प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, वर्ल्ड गैस समिट, जो इंडिया में पहली बार हो रहा है। गैस में, गैस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इसमें नया कर सकते हैं, क्या नए इनोवेशंस हो सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें करीब 20 कंट्रीज से डेलीगेट हैं और 5 कंट्रीज से स्पीकर्स अवेलेबल हैं। जो नेचुरल गैस व्हीकल की जो प्रेजेंट हैं इटली से, वो भी यहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट हैं।